वेलकम बैक. दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल होल्डिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. वो वाला आ रहे हैं सर, आ रहे हैं. वो वाला एक दिन और लगेगा. मैंने अभी 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 चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, उन्होंने कहा कि कल या परसों तक ड्राफ्ट वो तैयार करके दे देंगे. और पानी के मीटर अभी कोई फोर्स नहीं किए जा रहे. एक ऑफिस ऑर्डर है जो कहता है कि लोग इन इन ब्रांड्स के मीटर ले सकते हैं. लोगों वो ब्रांड के मीटर्स ले सकते हैं, उसमें अब किसी को भी फोर्स नहीं किया जा रहा. सर एक रेट मैं आज उस पर गया था, एलजी साहब से मेरी मीटिंग हुई और उसमें हम दोनों को ये लगा सुबह कि एक बारी पुलिस कमिश्नर से मिलने की ज़रूरत है कि पोस्ट रेप एक है कि पोस्ट रेप जस्टिस मिलना चाहिए. बट वो तो छोटी चीज़ है, पोस्ट रेप जस्टिस तो मिलना ही चाहिए, पर रेप होने क्यों चाहिए? रेप होने नहीं चाहिए पहले नज़र में. और दिल्ली में इतने ज़्यादा रेप क्यों हो रहे हैं? तो एलजी साहब, हम दोनों ये डिस्कस किए कि पुलिस कमिश्नर जी के साथ एक अगले हफ्ते एक मीटिंग की जाए और उनको कहा जाए कि वो तैयार होके आए कि दिल्ली में इतने रेप क्यों हो रहे हैं. उसकी एक एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि वो लोकेलिटी स्पेसिफिक हैं, वेन्यू स्पेसिफिक, कि भाई अंधेरा जहाँ पे ज़्यादा है तो उसको लाइट करते हैं, या पर्सन स्पेसिफिक है कि इस किस्म के लोग ज़्यादा कर रहे हैं तो, या सिचुएशन स्पेसिफिक हैं कि इंसेस्ट ज़्यादा है तो पता तो चले कि समस्या क्या है और उसके ऊपर फिर हम सब लोगों को मिलकर कार्रवाई करने की ज़रूरत है. और इसमें जस्ट वन सेकेंड एंड सेकेंडली ऑल्सो वी और बोथ डिसाइडेड देन वी विल माई सेल्फ एल जी साहब एंड मे बी पुलिस कमिश्नर वी विल मीट द चीफ जस्टिस एंड ट्राई टू इंश्योर कि जब तक एक स्ट्रांग डेटरेंस नहीं क्रिएट होगा, जितने ये कैन वी समहाउ क्विकली मेक मोर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कि जितने रेप के पेंडिंग मामले हैं उनमें जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त सज़ा इन लोगों को दिलवाई जा सके. तो ये दो निर्णय आज एल जी साहब के सामने. पानी के मीटर को लेकर अभी क्लियर नहीं हुआ है लोगों को किस मामले में फोर्स ना किया जाए. और वो वाले मीटर जो आप कह रहे थे वो नहीं लगवाने के लिए फोर्स किया जाएगा, वो नहीं लगवाएंगे. उनके पास क्या ऑप्शन होगा? वो ऑर्डर है ना, उसमें 6-7-10-12 ब्रांड ऑफिशियली किए गए हैं, वो जनता खरीदे. और जो डेनिश महिला का है तो उसमें पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं कुछ लोगों को. और अरविंद, संदीप दीक्षित एंड कांग्रेस हैव सेड दैट आम आदमी पार्टी एंड अरविंद केजरीवाल आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी ऑफ वुमेन. ही हैज जस्ट टोल्ड टाइम्स नाउ दैट आम आदमी पार्टी इज जस्ट नॉट बॉदर्ड ड्यू टू दिस गैंग रेप. हाउ डज यू, हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? व्हाट शुड आई रिएक्ट टू दैट? आई मीन हाउ कैन दे से दैट? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि एक दो चीजें आज एलजी साहब के साथ डिस्कस हुई. दैट वन इज वी नीड टू डिस्कस विद द पुलिस. राइट नाउ पुलिस इज डूइंग इट. तो पुलिस के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है कि एक ऑनेस्ट एनालिसिस की जाए कि हम केवल ये नहीं कह सकते. बार बार हम कहते हैं कि मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी हैज़ गॉन डाउन, बट मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी हैज़ गॉन डाउन इन ऑल द सिटीज़. वाई इज दिल्ली विटनेसिंग सो मेनी रेप केसेस? दिल्ली में इतने, एक मिनट सर, मैं ऐसा नहीं कह सकता. मतलब मैं कहूँ कि हमारे आने के बाद कोई बहुत अच्छा हो, मैं ऐसा नहीं कह सकता. बिकॉज पर उन्होंने ही तो पार्लियामेंट में बोला था कॉमर्स मिनिस्टर साहब ने कि जो स्टेट जो डिसाइड करना चाहे करे. तो आप क्यों कह रहे हैं? उन्होंने तो कहा था, तो उनको पार्लियामेंट में ये पावर नहीं देनी चाहिए थी स्टेट्स को? भाई पार्लियामेंट में बैठ के सरकार ने उस टाइम कहा था कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट इज फ्री टू टेक डिसीजन, सो वी हैव टेकन अ डिसीजन. अब ये कह रहे हैं कि हम इररिस्पॉन्सिबल हो गए. पत्रकार आशुतोष की पार्टी में जिस तरह से ज्वाइनिंग हुई उसको लेकर के कई लोग नाराज हैं. बिन्नी की नाराजगी के पीछे भी ये वजह बताई जा रही कि उनको विशेष महत्व क्यों दिया जा रहा है? नए लोग हैं पार्टी में, इनको आप खुद ज्वाइन कराते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं. ऐसा बिन्नी ने आपको पर्सनली बोला? एक बार बिन्नी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, जो जो मुद्दे उठाएंगे मैं जवाब दूंगा. अच्छा, एक सवाल ये थी कि आप झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने लोकसभा टिकट आपसे मांगी. ये बिन्नी लोग कह रहे हैं कि आप नहीं कहा था वो फॉर्म भरे, वो आपके साथ में. देखिए मैं यहाँ पे मेरे और बिन्नी के बीच में बयानों और प्रतिबयानों के लिए नहीं खड़ा. मेरे को जो कहना था मैंने कह दिया. अब जनता को जो मानना है जनता मानेगी. उनको सबको सो कहने दीजिए. देखो ये सब तो सब कहेंगे. इन लोगों का बीजेपी और कांग्रेस वालों की अच्छी खासी सांठगांठ चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. हमने आके रायता फैला दिया इनका, हमने आके इनका सारा गेम खत्म कर दिया. तो इन लोगों के लिए तो एनआरकी आ गई. अच्छा खासा स्विस बैंक में खाते थे, अच्छा खासा पैसा चला जाया करता था, हमने आके रायता फैला दिया इनका. तो इनके लिए तो एनआरकी है. जनता बड़ी खुश है.
अरविंद, 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 अ